सूरत शहर में आगे बेना जीव लीधा। सेटेलाइट विस्तार में पूजा अभिषेक बिल्डिंग में त्रीजा माले भीषण आग लागवानी घटना थी। जीम ऊपर चालता मसाज पार्लर में काम करती बे युवतीओना मौत थया छे। सेटेलाइट विस्तार में आवेल सन सिटी जीम अने मसाज पार्लर में आग लागता मसाज पार्लर में काम करती बे युवतीओना मौत थया छे। आग पर काबू मेळवा चार फायर स्टेशन की गाड़ी घटनास्थले पहुंची हती। फायर नो काफलो कलाक थी वधु समय आग पर काबू मेळवा चार फायर स्टेशन की गाड़ी घटनास्थले पहुंची हती। फायर नो काफलो कलाक थी वधु समय थी फायर काफलो आग पर काबू मेळवानो प्रयास करी रही छे। 108 सहित पुलिस काफलो घटनास्थले हाजर छे। गृह राज्यमंत्री असंघवीना कार्यालय नी सामे आवेल कॉम्प्लेक्स में आग की घटना बनवा पामी छे। आ कॉम्प्लेक्स ने अगाउ 5 वक्त फायर एनओसी माटे नोटिस अपाई चुकी छे। जीम में फायर सेफ्टी साधनों अभाव हतो जे अंगे पण जीम संचालक ने नोटिस फटकाराई हती। जणावी दईए कि गृह राज्यमंत्री हर संघवीना कार्यालय नी सामे आवेला कॉम्प्लेक्स में आग लागी हती। केमेरामेन हकीम शेख साथे वसीम हासमी नो रिपोर्ट, आजाद न्यूज, सूरत। साहेब, फायर कंट्रोल माथी आग नो कॉल मळ्यो, चौथा माळे आग लागी छे, तो फाइटर टैंकर ने हाइड्रोलिक साथे अमे घटनास्थळे आव्या। आता ज जाणवा मळ्यो मोटा मोटा धुमाड़ा गोटा निकलता था। एक साइड में हाइड्रोलिक लगावी, बीजी साइड में लाइन चार्ज कर फायर फाइटिंग की प्रक्रिया चालू करी। ड्यूरिंग फायर फाइटिंग त्रण माणसों जे अंदर ना था एने कीधु बे बहनों फसाई लीधी, पण एटलो बधो स्मोक जनरेट थयो तो ज्यां सुधी जई नहीं सके त्यां सुधी कोई ख्याल आवी नहीं सके। अंते बीएसएफ नो उपयोग करी अने अंदर गया अने अंदर फसायेली बे बहनों ने बात करी। लगभग शॉर्ट सर्किट અંદાજે કહી શકાય, બાકી તો ઇન્વેસ્ટિગેશનનો સબ્જેક્ટ છે। બે લેડીઝ અમે બહાર કાઢેલી છે। નોર્મલી આપણને ખબર હોય કે એક મિનિટ આપણે શ્વાસ નહીં લઈ શકીએ શું થતું હોય, પણ જ્યાં સુધી ડૉક્ટર નહીં કહે ત્યાં સુધી આપણે કંઈ સ્ટેટમેન્ટ નહીં આપીએ। શું ચાલી રહ્યું હતું કોમ્પ્લેક્સમાં? શેની દુકાન હતી ને મહિલાઓ શું? પાર્લર કે છે અમારા સબ્જેક્ટમાં, તો બાકી તો હવે પોલીસ ખાતાની તપાસમાં જ ખ્યાલ પડે શું ઓરિજિનાલિટી છે। મારું નામ હરીશભાઈ ગઢવી, હું ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર, ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર કૃષ્ણા મોડ। જી, શું ઘટના બની છે? સિટી લાઇટ એરિયામાં પેન્ટલૂન્સની સામે એક મોલ છે, મોલના ટોપ ફ્લોર ઉપર જીમ અને સ્પા છે, એમાં ફાયર થઈ હતી અમુક કારણોસરથી, અને આગના સ્થળ ઉપર એટ પ્રેઝન્ટ 15-20 ગાડીઓ છે અને મેં બે બોડી રિકવર કરેલી છે। સર, કેટલા લોકો હતા, કેટલા લોકોનું રેસ્ક્યુ થયું? કેટલા લોકો હતા એનો કંઈ આઈડિયા નથી, પણ એટ પ્રેઝન્ટ અમે બે બોડી રિકવર કરેલી છે। સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે, હા, ટીટીએલથી અમે ફાયર ફાઇટિંગ કર્યું છે, પણ એનાથી કોઈ કારગર કર્યા કરતાં અમારા માટે અંદર ફોર્સ એન્ટ્રી લઈને ફાયર ફાઇટિંગ કરવું એક કારગર સાબિત થયું હતું। અંદર હજુ ચાલે છે શોધખોળ? ફાયર ફાઇટિંગ ચાલી રહી છે, તેમ છતાં અત્યારે કુલિંગનું કામ ચાલે છે અને શોધખોળ ચાલી રહી છે, એ હજુ કંઈ જાણવા મળેલું નથી। એ સિટી લાઇટ એરિયામાં જીમ 11 કરકે જીમ હૈ, एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के 4th फ्लोर पे चल रहा है, और जिम के अंदर ही 2 फ्लोर में एक नीचे का फ्लोर है उसमें जिम चल रहा है, ऊपर का फ्लोर में सैलून चल रहा है। तो इस तरह से था आग का बनाव बना, तो 5 लोग अंदर थे। अभी दिवाली की छुट्टियों के हिसाब से जिम की छुट्टी थी, खाली सैलून है वो ऑपरेशनल था, और जब 5 लोग काम कर रहे थे तो जब धुआं दिखा तो 3 लोग तो वहाँ से भाग के बाहर निकल गए, और 2 लड़कियाँ थी जो नॉर्थ ईस्ट की बताई जा रही हैं, वो दोनों ऊपर सैलून में थी और उन्होंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, तो उनको फिर फायर डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर उनको रेस्क्यू करके सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। जब रेस्क्यू किया दोनों बेहोश थी और हालत उनकी गंभीर थी, तो अभी सिविल हॉस्पिटल में है, तो वहाँ डॉक्टर का ओपिनियन लेंगे कि इनकी स्थिति कैसी है। और यहाँ आग के कारण के लिए अभी FSL को इन्फॉर्म किया गया है, तो जब FSL के अधिकारी आएंगे अगर कोई CCTV फुटेज मिलेगा तो उसकी चकासनी करेंगे, और 3 लोग जो आग के टाइम पे बाहर निकल गए थे उनको अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है, वो लोग आ जाएं, अगर वो फिट हैं तो उनका स्टेटमेंट लेंगे किस तरह से आग लगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। सर, इन दोनों ने तो जो पुलिस का भी डॉक्यूमेंट लिया जाता है जो NOC बोलते हैं, वो सारे कागज मंगाए हैं अभी, और वो सब कागजों की उनको जिनका जो जिम चलाने वाला है उसको इन्फॉर्म किया गया है, तो वो सारे कागज लेके पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। कागज नहीं रहेगा तो किस तरह की कार्रवाई होगी? एक बार कागज मंगवाते हैं, देखते हैं, और जो भी होगा वो न्यायोचित कार्रवाई की जाए। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, FSL टीम आई हुई है, और बिल्डिंग में सिस्टम लगा हुआ है और फायर डिपार्टमेंट का NOC दिया हुआ था, उसके बाद रिन्यूअल जो है प्राइवेट एजेंसी जो गुजरात गवर्नमेंट जो कॉम्पिटेंट पर्सन है
उनके द्वारा दी जाती है, और उसने अक्टूबर महीने में रिन्यूअल भी इनको दिया हुआ है, और ऑनलाइन के थ्रू इनका फोटोग्राफ वगैरह सब यहाँ पे जो दिया था वो सब निकाला, तो वो सब भी निकले, तो ये तपास का विषय एक बार पुलिस के साथ में सब तपास कर रहे हैं, कोई जिसका भी इसमें फॉल्ट होगा तो आगे की कार्रवाई। फायर को क्या त्रुटियां दिखी गई है? फायर डिपार्टमेंट अभी चेक कर रहा है इसमें, जो एनओसी स्टार्टिंग में दी थी उसके बाद में उन्होंने बायदरी एक दिया था यहाँ पे इसके जो ओनर ने कि उसको मेंटेन करके रखेंगे सिस्टम को, और सिस्टम यहाँ लगा हुआ है वो कार्यरत था या नहीं था, उन्होंने रिफिलिंग करवाया टाइम से नहीं करवाया, जो एजेंसी है उसने जो रिन्यूअल किया है वो सही से किया या नहीं किया वो सब तपास करके वो आगे के। जिम में लगी थी, जिम के लिए फायर सेफ्टी का था, जिम में फायर डिपार्टमेंट से दो बार नोटिस दिया हुआ था, और इसको रिनोवेट करके कुछ ग्लास वगैरह लगाए हुए थे, उसकी वजह से इसको बाहर नहीं निकला, तो वो सब एक बार सब ये दरकारी बोल सकते हैं जिम वाले की लापरवाही बोल सकते हैं? लापरवाही तो थोड़ी बहुत होगी सर, लापरवाही तो रही है, इसी वजह से हुआ सर। लापरवाही तो फायर विभाग की नहीं, दो बार नोटिस दिया था, वो जो भी तपास के बाद में बाहर निकल के आएगा तो आगे।